आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड के छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जहाँ पर चंपई सरकार देगी स्कॉलरशिप। तो चलिए जान लेते हैं कि यह लाभ किनको मिलेगा और किस तरीके से वो उनका लाभ जो है इन योजनाओं का उठा सकते हैं। तो चलिए अब इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के सरकारी और निजी एवं PPP मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस तरह यहाँ के सरकारी, निजी एवं PPP मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में BE तथा BTEC की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्राओं को यह राशि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए इसका संकल्प जारी कर दिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए क्या है यहाँ पर शर्तें। जारी संकल्प के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए डिप्लोमा में नामांकित छात्राओं को झारखंड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लेटरल एंट्री से नामांकित छात्राओं को यहाँ पर 10वीं के साथ साथ 12वीं या फिर ITI भी झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि झारखंड के बाहर का नहीं, आपको झारखंड में ही अपनी 10th और 12th कंप्लीट करना जरूरी है। इसी तरह इंजीनियरिंग में नामांकित छात्राओं को झारखंड से 10वीं एवं 12वीं दोनों उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि लेटरल एंट्री के मामले में यहाँ पर छात्राओं को 10वीं एवं 12वीं के साथ साथ डिप्लोमा या BSc भी झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकित छात्राओं को मिलेगा। इससे पूर्व नामांकित छात्राओं को भी इस योजना का लाभ शेष वर्षों के लिए मिलेगा। इस योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। वहीं इस योजना के मॉनिटरिंग के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति का जो लाभ है या फिर इस योजना का लाभ लेने वाली छात्राओं को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगले शैक्षणिक सत्र में प्रमोट होना होगा। साथ ही यहां पर सभी विषय में उत्तीर्ण होना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें लाभ मिलना बंद हो सकता है। इस योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष 4,200 यहां पर छात्राओं को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 3,000 डिप्लोमा छात्राओं तथा 1,200 यहां पर इंजीनियरिंग छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस तरह प्रत्येक वर्ष क्रमशः 4.5 करोड़ रुपए तथा 3,60,00,000 रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। बाकी इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।